हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ जो बच्चों का ही ये सबसे फेवरेट चीज है, चॉकलेट पिज्जा। और ये अलग तरह का मैं एक चॉकलेट पिज्जा बनाने जा रही हूँ जिसमें बच्चों को पिज्जा का भी मजा मिलेगा, चॉकलेट का भी मजा मिलेगा और केक का भी। इन तीनों को हम मिक्स करेंगे और बनाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए और कैसे बनाना। सब्सक्राइब करें नमिताज होम किचन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे, इसमें हम लोग 3 चम्मच के लगभग मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। और हाँ, सबसे पहले हम लोग इसका पिज्जा का डो तैयार करेंगे, जैसे कि हम पैनकेक बनाएंगे उसी से मेरा पिज्जा का डो तैयार होगा। इसमें हम लोग कंडेंस मिल्क डालेंगे 3 चम्मच के करीब। इसके बाद हम लोग 3 चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे। और मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। और इसके बाद हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इससे हमारा 2 पिज्जा बेस तैयार होगा। इसके बाद हम लोग 1/2 चम्मच से करीब में बेकिंग पाउडर है इसे डालेंगे और थोड़ी सी बेकिंग सोडा पड़ेगा, ज्यादा नहीं डालना है, बस चुटकी बराबर। और इन सबको मिक्स करना है और कुछ इस तरह से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा। और इसका डो ज्यादा पतला नहीं रखना है। देखिए तैयार हो गया है। सबसे पहले हम लोग गैस जला के इसमें पैन चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑयल को डालेंगे जब तक पैन गर्म हो रहा है, थोड़ा सा डालना है। और एक आप ले लीजिएगा हैंकी होता है, नैपकिन, इसे लेके और इसे चारों तरफ से लगा दीजिएगा कि अच्छे से इसमें लग जाए। इसी से लगाना है, ऑयल इसमें नहीं रहना चाहिए, एकदम इसे साफ कर दीजिएगा, एकदम नाम के लिए इसमें ऑयल होना चाहिए। और देखिए अब हम लोग इसमें से 1/2 डो डालेंगे, पूरा नहीं डालना है, 1/2 डालेंगे। बहुत आराम से डालिएगा और एकदम हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ इसे फैला लेना है। और हाँ, नॉन स्टिक में ही बनाइएगा, जब भी बनाइएगा। और हाँ, गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा और इसे ढक देना है बस 2 से 3 मिनट के लिए। और हाँ, अब हम देखते हैं कहाँ तक हमारा पैन पिज्जा तैयार हुआ है। ऊपर से तो लग रहा है कि तैयार हो गया। अब इसे हम लोग एक बार पलट लेते हैं। देखिए हमने पलट लिया है, इसे फिर हम लोग 1 मिनट के लिए ढक के रखते हैं, बस 1 मिनट के लिए। बस हो गया हमारा 1 मिनट। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा भी बेस हम लोग तैयार करते हैं। तो देखिए ये बेस जो मैंने तैयार किया है, इसका हम लोग बॉर्डर लाइन छोड़ के थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे। और देखिए एक बड़ा चम्मच लेके कुछ इस तरह से दबा दीजिएगा, जो बीच में फूला फूला लगेगा ना तो ये दब जाएगा, जो स्पंजी होता है। अब दब गया मेरा सारा, देखिए। और देखिए ये हर्शीज का सिरप है, इसे हम लोग जैसे हम लोग पिज्जा सॉस लगाते हैं ना, वैसे ही इसको हम लोग लगाएंगे। इसे आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और देखिए इस तरह से आप लोग इस पे चारों तरफ से लगा दीजिएगा, थोड़ा सा किनारे में छोड़ देना है, जैसे पिज्जा में रहता है ना साइड साइड से छूटा हुआ, उसी तरह से हम लोग इसे छोड़ेंगे। और इसे देखिए अब हम लोग इसे पैन में डालेंगे फिर से मेल्ट होने के लिए।
एक मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। और देखिए अब हम गैस बंद करेंगे और हमारा ये मेल्ट हो गया है इस पे, देखिए चॉकलेट। अब हम लोग इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और अब हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। ये मैंने व्हाइट चोको चिप लिया है, ये शॉर्ट्स है, ये जेम्स है, ये चॉकलेट शॉर्ट चोको चिप है। और आपको अगर ये सब नहीं मिलता है मार्केट में, वैसे शॉर्ट्स और जेम्स तो आराम से मिल जाएगा, चोको चिप नहीं मिला, तो आप कोई भी चॉकलेट डेयरी मिल्क हुआ, फाइव स्टार हुआ, इसे आप क्रश करके या छोटे छोटे पीस करके आप इस पे कर सकती हैं। कुछ इस तरह से हम लोग डेकोरेट करेंगे। कुछ इस तरह से डेकोरेट देखिए हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा और हम लोग डाल देते हैं व्हाइट चोको चिप और अब हम लोग डेकोरेट कर लिए और इसे हम लोग कट करेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप भी बनाइए और आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे और बहुत आराम से बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो बिना कंडेंस मिल्क का भी हो जाएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये पिज्जा, चॉकलेट पिज्जा। इसमें तो चॉकलेट पिज्जा केक तीनों चीज का मजा मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।